मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। नवादा मिर्जापुर में एक बंद घर से लाखों की हुई चोरी, ग्रामीणों ने चोर की जमकर की धुनाई। चोर सदर अस्पताल में भर्ती, तीसरा चोर फरार। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा में चोरों के आतंक से जिलेवासी काफी परेशान हैं। आए दिन जिले में घट रही चोरी की घटनाओं से जिले के लोग दहशत में जीने को विवश हैं। सोमवार की रात्रि नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले में चोरों ने एक बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरी की घटना का अंजाम दिया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता के कारण चोरी कर भाग रहे तीन चोर में से दो को पकड़ लिया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने दोनों चोर को जमकर धुनाई करते हुए इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दिया। सूचना पश्चात घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोर को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस अभिरक्षा में दोनों शातिर चोर का इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि सोमवार की रात्रि श्री स्वामी किसी काम से घर में ताला बंद कर बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार चोरों की पहचान गोविंदपुर बाजार निवासी भुवनेश्वर साव के पुत्र दीपक साव तथा पांचवें मिस्त्री के पुत्र मिठू कुमार के रूप में की गई है। गृह स्वामी ने बताया कि आसपास के लोगों के सहयोग से दो चोर को पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा चोर 30 नगद समेत सोने चांदी का जेवरात लेकर भागने में सफल रहा, जिससे लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।